हेलो गुड मॉर्निंग क्लास एच के जी इतने दिन तक तो बेटा अपन स्कूल में पढ़ रहे थे आज नारे छुट्टियां हो गई हैं हॉलीडेज हो गए हैं हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे आप लोग घर पे पढ़ाई करना बेटा पेज नंबर ओपन योर बुक बेटा इंग्लिश की पेज नंबर ट्वेंटी सेकेंड इतने दिन तक तो हमने ए ई आई ओ यू इनसे बने हुए जो साउंडिंग वर्ब थे राइमिंग वर्ड थे हमने पढ़े थे फिल इन द ब्लैंक्स किए थे नाउ वी विल रीड चैप्टर इलेवन दिस एंड दैट दिस मीन्स यह दैट मीन्स वह। यह जो दिस जो होता है हमारे पास जो चीज़ होती है उसके लिए दिस यूज होता है और जो दूर होती है उसके लिए दैट यूज़ होता है जैसे सब बच्चे आप थोड़ी थोड़े दूर पे बैठे हो तो दिस यूज होगा और जो दूर बैठा हुआ है उसके लिए दैट यूज होता है नाउ फर्स्ट लाइन रीड दिस इज अ डियर ये पिक्चर देखो बेटा ये हिरन की पिक्चर है दिस इज अ डियर यह एक हिरन है नेक्स्ट दिस bear. बियर कहाँ रहता है फॉरेस्ट में रहता है जंगल में रहता है बियर मीज भालू हियर डियर देखो पास में है इसलिए दिस लगा हुआ है और भालू जो है दूर्ग है यहां से हिरन से दूर है इसलिए यहां पर दैट लगा हुआ है तो वह एक भालू है दिस इज आ मस्क मेलन यह एक खरबूजा है मस्क मेलन आप कब खाते हो इन समर डे आप गर्मियों में आप खरबूजा और तरबूज खाते हो मस्क मेलन खरबूजा और वाटर मेलन तरबूज खरबूज जो है पास में रखा हुआ है तो इसलिए दिस इज अ मस्क मेलन लास्ट इज दैट इज अ वाटर मेलन जो ऊपर तो खरबूजा है और नीचे तरबूज है तो यहां पर दैट इज अ वाटर मेलन दिस इज अ पैरट पैरट मीन्स क्या होता है तोता यह एक तोता है दैट इज अ पीकॉक यह एक मोर है बरसात के दिनों में मोर दिखाई देता है सब बच्चों को सबने देखा हुआ है ना मोर ये सामने मोर की पिक बनी हुई है यह एक मोर है वह एक मोर है दिस इज बॉल यह एक गेंद है बॉल नजर आ रही है ना आप सब बच्चे बॉल से खेलते हो ना बेटा यह पास में दिख रही है आपको इसलिए दिस इज इस बॉल लास्ट लाइन इज दैट इज अ बलून यह एक वह एक गुब्बारा है बैलून है अभी अपन ने ट्वेंटी फिफ्थ से दिसंबर को क्रिसमस पर लगाए थे ना बैलून उससे सेलिब्रेशन किया था हमने क्रिसमस का तो यह वह एक बैलून है तो यह आपको कॉपी में काम करना है दिस इज अ डियर दैट इज अ बियर दिस इज द मैस्क मेलन दैट इज द वाटर मेलन दिस इज अ पैरट That is the peacock. This is a ball. This is a balloon. अब आपको सबको समझ में आ गया बेटा ये लेसन आपको कॉपी में करना है और जहां दिस और दैट रेड पेन से लिखा हुआ है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है ये लिखा हुआ है दिस दैट फिर ये दिस दैट दिस दैट दिस और दैट ये सब जो है आपको कॉपी में लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन करनी है अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू अगेन दिस इज आ डियर दैट इज आ बियर दिस इज आ मस्क मेलन दैट इज आ वाटर मेलन दिस इज आ पैरट दैट इज आ पीकॉक दिस इज आ बॉल दैट इज आ बैलून ये देखो पास में है और ये दूर है अब सबको समझ में आ गया बेटा इसको आप कॉपी में करोगे अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू सब बच्चे पढ़ाई करेंगे और लिखकर बताएंगे मुझे ओके थैंक यू